नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा उपचुनाव में की गई तैयारियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से विधिवत जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से अलर्ट है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकताओं में है और किसी भी तरह से अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जा रही है और पुलिस के साथ भी मीटिंग की जा रही है। सीधे आपको सुनवाते हैं कि आजमगढ़ SP अनुराग आर्य ने लोकसभा उपचुनाव में की गई तैयारियों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। पुलिस की कई तरह की तैयारियां हैं। सबसे पहले नामांकन जो हमारे सामने है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें जितने भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, CCTV कैमरे की व्यवस्था, डिप्लॉयमेंट की व्यवस्था, वो सब प्लान कर ली गई है। उसके साथ साथ आचार संहिता के पालन के लिए जितने भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर जितने प्रकार का डिफेसमेंट होना है, जो भी पोस्ट बैनर सब हटाए जाने हैं, उसकी प्रक्रिया वर्तमान में प्रशासन के सहयोग से, नगरपालिका के सहयोग से पुलिस के द्वारा कराई जा रही है। जितने भी आचार संहिता के मानक हैं उनका पालन कराया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग और 48 पॉइंट्स पे बॉर्डर पॉइंट्स बना के जो जनपद के बॉर्डर्स हैं उनको वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनके साथ बैठक की गई है, जिसमें आचार संहिता के नियमों से उनको अवगत कराया गया है। और जो भी फोर्स का हमारा रिक्वायरमेंट होगा मतदान को सकुशल और मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए, उसका असेसमेंट किया जा रहा है। इलेक्शन सेल का गठन पुलिस लाइन में कर लिया गया है। इलेक्शन की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की है और बहुत अच्छी तरीके से, सकुशल तरीके से, फ्री और फेयर इलेक्शन। थैंक यू।